अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मावरा हुसैन और मैं ज़िमिल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ फ्रॉम ड्रामा सीरियल नीम। अगर आप नीम के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हम टीवीज़ यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अब क्या करो कि भाभी की ड्रेस का? भाभी का ड्रेस मुझे ज़रूरी नहीं लगा। पता है, मैं जब इन लोगों की तरफ जा रही थी, उनकी आंखों में इतनी मायूसी थी, जैसे उनको एहसास हो गया है कि आधा दिन गुजर चुका है और अब मजदूरी नहीं मिलनी। पैसे देने के बाद जब मैंने उन्हें मुड़ के देखा तो सबके चेहरे पे कोई ना कोई प्लान था। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन जरूर किसी बच्चे का दूध आ जाएगा और दस्तरखान पे खाना लग जाएगा, या शायद किसी की दवा आ जाए। यहाँ तो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, सब ऐसे सोचने लगे ना तो हो गया काम। किसी को तो ऐसे सोचना पड़ेगा वरना सचमुच हो गया काम। सर, मेराज के असर कहते हैं, अगर किसी की जिंदगी की गाड़ी को रुका हुआ देखो तो थोड़ा धक्का लगा दो, शायद स्टार्ट हो जाए और चल पड़े। बुजुर्गो कितने हो लिया? है गेरे 38। बस आए थे हलवाई छिड़े। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखिया। हाँ मैं हैदरिया। भाईजान, ऐसे अनजान लोगों को लिफ्ट ना दिया करें, शहर भर में वारदातें हो रही हैं। वारदातें बड़े शहरों के मसाइल हैं, हमारे शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। वो पुराने ज़माने की बातें हैं, अब यहाँ भी महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं। कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। तुम ये तो मानते हो ना कि हमें ये गाड़ी अल्लाह ताला ने दी है? जी। और जब चाहे वो हमसे ये ले भी सकता। बेशक, बस अल्लाह की अता की गई अनायतों में मैं लोगों का हिस्सा डलवाता हूँ, ताकि अगर अल्लाह कभी मुझसे ये अनायतें लेने लगे तो मेरे साथ उनके चेहरे भी नजर आए। अब समझे? गुड्डू वेर दी दुकान उपर रश किया था। आई मैच दा बड़े हो। किस ना? इंडिया पाकिस्तान ना।